अबे हटा भाई, माँ कसम ऐसे, अबे ऐसे मैच जीतने से अच्छा तो मैं भैया हारना पसंद करूंगा, अबे ब्रॉन्ज आना पसंद करूंगा ये। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका है आपका भाई दोबारा से एक और बहुत ही ओपी सा वीडियो लेके, करेक्टर स्किल पार्ट टू। और भाई इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ ना भाई, लिटरली भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको ये वाला करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करके। आपका मतलब आप समझ लो, अगर आप 50 गेम खेलते हो तो 50 में से 45 गेम आप बुया कर सकते हो इस करेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, तो फटाफट से मैं पहले नंबर बता दूं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको लेना है बुलफेरा करेक्टर, जो कि हमको हेडशॉट डैमेज कम करता है और सामने वाले को हेडशॉट डैमेज ज़्यादा देता है। और सेकेंड नंबर पर आपको ले लेना है अपना लूना करेक्टर, जो कि हमारा गन का रिलोड, गन का मूवमेंट स्पीड थोड़ा सा तेज कर देता है और हमारा गन का रेट ऑफ फायर भी अच्छा खासा उससे हो जाता है। और सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आपको ले लेना है अपना क्रोनो करैक्टर, जो कि हमको एक्टिव स्किल में रखना है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है भाई, क्योंकि भाई क्रोनो के अंदर घुस के आप किसी को भी मार सकते हो और कहीं पर भी लगा सकते हो, अपने टीम मेट को वगैरह को रिवाइव वगैरह भी उससे कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। और लास्ट करेक्टर लेना है आपको डीबी करेक्टर, जो कि भाई हमारे गन का रिकॉयल वगैरह बिल्कुल ही ना के बराबर कर देता भाई, क्योंकि भाई वो करेक्टर कॉम्बिनेशन जो है ना एकदम तगड़ा वाला, क्योंकि भाई मैं पर्सनली इसको खुद मैंने यूज़ करके देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि देखो मैं इसके साथ फटाफट से एक गेम प्ले भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बंदा सामने दिखता है, मैं फटाफट से उसको हेडशॉट मार के ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उसको क्या ही तो तगड़े वाले हेडशॉट लगते हैं, मस्त वाले। तो मैं अपने फटाफट से बंदों को बुला के गेम स्टार्ट करके एक बंदे को इधर मस्त तरीके से मार देते हैं। ठीक है, और भाई मेरे को देखो एक बंदे ने इधर करेक्टर लगा दिया था राइडर, जो कि मैं इसको भाई करोनो ला के इधर बच जाता हूँ, क्योंकि वो सामने वाला बंदा मेरे को बहुत ईजी तरीके से मार सकता था, बट मैं उधर बच जाता। और सेकेंड राउंड में आ जाते भाई अपने अगले राउंड में, तो इधर देखो मेरा एक बंदा जाते ही सीधा मर जाता है। और कोई बात नहीं, मैं फटाफट से पहले तो इधर ड्रॉप वगैरह चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से ड्रॉप वगैरह चार्ज करके मेरे को पता है कि एक बंदे का राइट में लोकेशन है, तो उसको जाके भाई बनना। A94 वैसे अपना बहुत ज़्यादा रिकॉयल करता है, बट देखो मैंने हेडशॉट लगा, सीधा ही हेडशॉट लगाया उसको, एक गोली ओनली बॉडी पड़ा है, बाकी सीधा ही हेडशॉट लगाया अपने डीबी करेक्टर भाई इसी काम के लिए, क्योंकि रिकॉयल वगैरह नहीं होने देता। आपको पता होगा भाई A94 अपना गन कितना ज़्यादा रिकॉयल करता है, बट अपना डीबी करेक्टर जो कि है गन को रिकॉयल वगैरह होने में नहीं होने देता। ठीक है, और अपना UMP वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिकॉयल करता है, तो भाई ये बिल्कुल उसका रिकॉयल नाक के बराबर कर देता है, बट हल्का फुल्का करता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इधर देखो मेरे को मार सकता था वो ऊपर से बंदा, ऊपर से आया था, मैं इधर क्रोनो लगा के मस्त खड़ा था और मैंने मेडिकेट भी मारा, वो बंदा मेरे को टच भी नहीं कर पाया। ठीक है, और चलो इधर अगले राउंड में आ जाते हैं। और भाई इधर देखो हमारे तीन राउंड ऑलरेडी, दो राउंड सॉरी जीत चुके हैं ऑलरेडी, और सामने की साइड बंदे हैं। मैं इधर अपने टीममेट से थोड़ा सा अलग जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भाई मेरे को करना है किल ज़्यादा। ओके, देखो सामने एक बंदा दिखता है और सीधा ही भाई क्या ही तो उसको खतरनाक वाले रेड नंबर पड़े, दूसरे को भी पड़ा है, और मैं सीधा ही उनके ऊपर रश कर देता हूँ और फटाफट से मैं एक नेट करूँगा पहले तो, क्योंकि भाई अगर वो दूसरा बंदा रिवाइव भी हो गया होगा तो मर जाएगा, बट चलो एक डाउन हो चुका है शायद से, वो दूसरा वाला रिवाइव नहीं हुआ था। हाँ, वो रिवाइव नहीं हुआ, तो फटाफट से देखो इनको भी कन्फर्म कर लेते हैं। और अपने टीम मेट यार अपना एक स्क्वाड रखना, जो कि परमानेंट स्क्वाड रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको CS में बहुत ज़्यादा मदद करता है स्क्वाड अगर आपका होगा ना, तो अच्छा एक स्क्वाड ट्राई करना कि आप एक अच्छा स्क्वाड बना सको जो कि आपका बात सुन के खेले। ठीक है, और भाई इधर अगले राउंड में मैं एक गलती करता हूँ कि भाई मेरे दो बंदे ऑलरेडी मर रखे थे, मैं सीधा जाके खुद जाता हूँ और मर जाता हूँ इधर में, मेरे साथ एक गलत चीज़ हो जाता है, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। अभी भी हम लोग तीन राउंड उनसे लीड में चल रहे हैं, ठीक है, उनके दो राउंड है हमारे तीन राउंड है, बट इधर अगला राउंड आ जाता है और सामने वाला बंदा एक नेड करता भाई उधर से, और मैं फटाफट से इधर एक ग्लू लगाता हूँ, बट मेरे फिर भी वो छड्डी थोड़ा बहुत फाड़ देता है, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, मैं तो थोड़ा होल्ड करता हूँ, मेरा एक बंदा सीधा ही रेस्ट कर देता है, बट वो डाउन हो जाता है, बट उसने डाउन भी लिया था, तो फटाफट से पहले मैं उसको एक को कन्फर्म करता हूँ, और एक बंदा दिखता है सामने तो उसको मस्त तरीके से डाउन लेता हूँ बॉडी बॉडी मार के एक ऐसे, क्योंकि भाई रिकॉयल होने का तो चांस ही नहीं है, बॉडी भी लगेगा बट लगेगा, बंदा को डैमेज तो अच्छा खासा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बंदा इधर रुक जाता है, तो भाई ये रिवाइव हो जाता है, तो फटाफट से मैं तो क्रोनो लगाता हूँ और जंप करके इसको भी मस्त तरीके से डाउन लेता हूँ। ठीक है, इसको भी फटाफट से डाउन लेता हूँ, और भाई तभी एक बंदा इधर से आता है और इसको भी जंप करके मार देता हूँ, तो बहुत ही ईजी तरीके से हमारा ये वाला गेम हम भूया कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ भाई अगले राउंड मतलब अगले गेम में ना ये वाला राउंड बहुत इजी तरीके से भूया कर दे। और इसी के साथ भाई अगले गेम में जो ऐसी चीज़ हुई ना भाई, सच्ची बता रहा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि
मैं भाई खेल रहा था ये रैंडम, मैंने रैंडम में मैच स्टार्ट किया था। मैं अभी आपको मैच के लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने भाई रैंडम में स्टार्ट कर दिया, बट इधर देखो अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरे को एक बंदे ने ऊपर से मारा, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, मेरे को मार दिया। बट इधर मैं मर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं फटाफट से। और भाई इधर हमारी टीम में एक बंदा हैकर आया था भाई, जो कि मेरे को पता नहीं था, क्योंकि भाई हमारे दो बंदे ऑफलाइन चले गए थे। तो मैंने मतलब रैंडम में स्टार्ट कर दिया। ये बंदा भाई दो आईडियों से खेल रहा है, इसने अपने जो इसका मेन आईडी है ये वाला, इसमें तो हैक कुछ भी नहीं लगाया। अभी तक हमको पता नहीं था, ये सीधे जाके मर जा रहा था। हमको बाद में पता लगा कि भाई ये दो आईडियों से खेल रहा है। ये बोला कि सामने वाला बंदा एक हैकर है, हमने शायद हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने विश्वास नहीं किया इतना ज़्यादा। तो सामने एक बंदा दिखता है तो फटाफट से मैं उसको मस्त तरीके से हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, और फटाफट से उसको कंफर्म भी कर लेता हूँ कि भाई रिवाइव वगैरह ना हो जाए, तो फटाफट उसको मार लेते हैं, ठीक है। और एक बंदा और दिखता है जो उसकी डिमित्री लगा देता है, तो फटाफट से हम इसको भी कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि भाई ये साथ में टीममेट का खेल था। बट एक बंदा और दिखता है तो फटाफट से उसको भी मार के ख़त्म कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा ये राउंड निकल जाता है बहुत ईजी तरीके से। हमको लग रहा था एकदम नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। बट भाई अगले गेम में, अगले राउंड जैसे अपना स्टार्ट होता है ना, हम इधर जाके आगे जाके हमारे गौरव भाई डाउन हो जाता है, एक बंदा मर जाता है, और सीधा भाई मैं भी जाके इधर मतलब रस कर देता हूँ सीधा, क्योंकि गौरव भाई इधर डाउन हो चुके हैं, तो मैं उनको क्रोन लगा के रिवाइव करने का ट्राई करता हूँ। बट भाई एक बंदा सीधा, दो बंदे घुस जाते हैं मेरे ऊपर और मेरे को डाउन लेते हैं खतरनाक तरीके से। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को भाई चलो नॉर्मल है, इतना तो चल जाता है कि यार कोई बंदा रस करेगा तो भाई दो बंदे होंगे तो मारे जाएंगे। बट भाई असली गेम जो स्टार्ट हुआ ना यहाँ से, इस बंदे ने बोला कि भाई मैं दो आईडियों से खेल रहा हूँ। भाई इसने इस आईडी के अंदर हैक लगा रखा है, सामने जो है ना भाई, इस वाली आईडी के अंदर इसने हैक लगा रखा है, जो कि हमको पता नहीं था अभी तक। बट क्योंकि भाई बहुत कह रहा था मेरे को AWM दिलवा दो, मैं सामने वालों का चड्डी फाड़ दूँ। हमने कि हो सकता है भाई अच्छा चलाता होगा यार, कोई कोई बंदा स्नाइपर अच्छा चलाता, भाई हम इतना अच्छा नहीं चला पाते स्नाइपर, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग चॉइस होता है। तो भाई सामने एक बंदा दिखता है जो कि जंप करता है नीचे, तो मैं उसको मारता हूँ भाई, और एकदम खतरनाक वाले हेडशॉट लग जाते हैं उसको, और हमारे दो बंदे भी मर जाते हैं। मैं अकेला बचता हूँ और मेरा वो साथ वाला टीममेट बचता है, क्योंकि जो दूसरी आईडी से अपनी मेन आईडी से खेल रहा था वो तो भाई पहले जाके मर जा रहा था, कि लगे ना कि भाई हैक बैक लगा, अगर कोई रिपोर्ट वगैरह भी मारेगा तो भाई उसके मेन आईडी में कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जाके एलिमिनेट हो जा रहा है यार, तो उसको क्या ही होगा भाई। ठीक है, हमने सोचा अगली बार मैं अच्छे चलाएगा। बट भाई इधर देखो, मेरे को एक बंदा मारता है, मैं सीधा जाके मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट हो गया तो मैं सीधा जाके मर जाता हूँ भाई। और भाई उसके बाद जो इसने ओम चलाया है ना, आप लोग देखो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, मैंने रैंडम में गलती किया भाई स्टार्ट करके, सच्ची बता रहा हूँ भाई। आप लोग भी यार, आपका स्क्वाड है तो भाई प्लीज़ अपनी स्क्वाड के साथ ही खेलो भाई, रैंडम में खेलोगे तो रैंडम बंदों का आज के टाइम में कोई भी भरोसा नहीं है भाई, कौन सा बंदा कब हैक लगा के आ जा, आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जा, बैन हो जा, भाई कुछ पता नहीं है भाई। मैं तो इधर डर गया, तो मैं तो भाई सीधा जा रहा हूँ जोन के अंदर, ठीक है, मैं तो इधर जोन के अंदर जाके एलिमिनेट हो जाता हूँ, और मैं भाई गौरव भाई को बोलता हूँ कि भाई तुम भी जाके एलिमिनेट हो जाओ, और भाई इस बंदे का फिर देखना क्या ही तो खतरनाक वाला भाई ये हैक लगा रखा है भाई, वो मतलब बॉडी मारने में भी सीधा हेड लग रहा है भाई ओम से। मैं गौरव भाई को बोलता हूँ भाई गौरव भाई तुम भी जाके एलिमिनेट हो जाओ, गौरव भाई भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और उसके बाद आप इसका गेम प्ले देखो भाई, इसने क्या ही तो आग लगाई ओम से। भाई नहीं भाई सच्ची में उसको भाई तू उसको हैकर बता रहा, और तू हैक लगा के हट भाई, ऐसा पता होती तो मैं घंटा रैंडम में स्टार्ट नहीं करता बे। ओए अबे भाई ये देख, अपनी आईडी से पहले इसीलिए एलिमिनेट, अपनी आईडी से ये इसीलिए पहले एलिमिनेट हुआ भाई, मतलब कुछ भी। ये भाई बहुत गलत बात है ये भाई, भाई इस तरीके भाई तुमने पूरे गेम की धज्जी उड़ा रखी है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ये देख भाई, ये कुछ मतलब ही नहीं है भाई रैंडम में स्टार्ट करने का, तो भाई छी कोई भाई, अबे हटा भाई माँ कसम, ऐसे अबे ऐसे मैच जीतने से अच्छा तो मैं भैया हारना पसंद करूंगा, अबे ब्रॉन्ज आना पसंद करूंगा ये भाई। तुम क्या बंदा बे, उसको सामने वाले को हैकर बता बता के भाई तू खुद हैक लगा रहा है बे, शर्म करो बे थोड़ा सा भाई। ये क्या बंदा है, रुको मैं, अबे ये क्या बंदा था बे साला, सामने उसको हैकर, रुक जा इसकी आईडी देखने दो मेरे को, एक्सपेक्टेड 57 लेवल की आईडी में हैक लगा रहा भाई, मां कसम। एक मिनट रुको,
अबे बोल रहा है कि सामने हैकर आया है, हाँ। सारा सूट हैक लगाया भाई, दोबारा गया मैच में, हाँ प्लेइंग में, प्लेइंग में गया, स्टार्ट करो, ये रियल आईडी कह रहा है मेरे को ग्रैंड मास्टर लगाना, भाई ऐसे ग्रैंड मास्टर करके क्या फायदा है इसका, देखियो इस आईडी में साले की कितनी सेव, कि मतलब एक की भी केडी नहीं है भाई इस आईडी में, और उस आईडी में देख रहा है, छी भाई छी, कुछ तो शर्म कर ले भाई, मेरी तो फट के चार होगी, मेरी आईडी गई था। अबे भाई मैं खुद यही सोच रहा था, मैंने क्यों हो गया काम भाई, मैं इसकी आईडी दिखा रहा हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यार पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते तब तक, ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।